कैसी तुसी? शायल है। मेरे लिए लिया है की चीज? गोले खांदे। मेरा तो वैसे अगे ही गला खराब है। अली तू खा, तू खा, मैं इन्ना खाना। दोपहर दे तकरीबन डेढ़ दा टाइम हो रहा है। गर्मी अज जड़ी ने शदीद जड़ा ना बहुत ज़्यादा पै रही है, और बदल तो बने हुए हैं लेकिन हवा शवा जड़ी ना रुक गई है। तो जुमे का टाइम होने वाला है, देखने हैं मस्जिद केड़ी जाना पौंदा है। मैं तो आज पहली दफ़ा इतने जुमा पढ़ना, और कोई भैन पता नहीं कमेंट कर रही थी कि ये तो तुहाड़ी अम्मी का घर हैगा। अम्मी का भी घर कोई नहीं है, बस वैसे ही भैन खलोन लिया है, तो जिन्ना का है सो है। पर अल्लाह पाक देवेगा इंशाल्लाह। तुम दुआ की करो जरूर। तो हूँ देखने कोई मस्जिद चल के जुमा पढ़ने, जुमे तो बाद तुहाड़े नाल इंशाल्लाह मिलने हैं। नहा नू तो मैं तकरीबन सुबह 9 बजे ही लिया सी, बस हूँ चल के मस्जिद ही इंशाल्लाह वुज़ू करांगे, बाकी बिल्कुल ही फ्रैश रहेंगे। ऐ सन तुहानू सामने गौंसला नज़र आ रहा, इस जगह तू ना इल आई है, उन्हें कोशिश की मैं चक के लै जाव, उन्होंने बच्चे ने बेचारियां ला लिया, लेकिन उत्तू कौवे पै गए ने, उन्होंने उड़ा दी है। कौव्या तू बड़िया है चालू ने। अली दे काम वेखो तुसी, कपड़िया समैत ही ना के आया, जुमा पढ़न जाना। सो जाना जुमा पढ़न? पैरी जुत्ती कोई नहीं, कितने गई जुत्ती तेरी? है मुँह च की पाए? जुत्ती पा के आना ही। आसमा राणी भी सारा दिन बेचारी काम लगी रहती है, कदी किसे कदी किसे, बंदे तो रह रहा कर। तो आज जड़ा ना काफी दिन बाद साडे ले मेहमान भी आ गए, और तुसी सिजान के दसना है केड़े मेहमान है। थोड़ा हो बात ठीक ठाक बड़ी गल। और मुसाफ अम्मी आई तू चेक करया किन्ना ज्यादा इन्ने सुरमा आसिया ने पास हटया, इन्ना पावी दे है आसिया। साफ हो गया चलो लै के आए जी खुरमानिया भी, वो भी पता नहीं कच्चिया ने या पक्या ने, लगदिया तो चिटिया चिटिया पी है नहीं है तो नरम। मैं नहीं ये लेंदा लगते चारे, क्योंकि बिचों ना कच्चिया कच्चिया दे छड़ दे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, की हाल चाल ने सारे बना भैया दे? अल्लाह दे शुक्र असी भी बिल्कुल ठीक ठाक हां। साडी दुआ साडे देखना जी थरेन खुश रहन, आबाद रहन, हमेशा हंसदे मुस्कुराते रहन। अज जुमे दे दिन है, जुमा पढ़न लई निकलिया, लेकिन कोई पता नहीं मैनू किन्नी दूर जाना पवे मस्जिद भी, या तो मैनू शहर जाना पवेगा या फिर इस जड़ी है सामने आबादी ने इत्थे जाना पवेगा। और गर्मी भी काफ़ी सारी है, निकलिया ही मैं पैदल हाँ, क्योंकि भाई शहरदारी शहरदारी दे मिनटे च चीज़ गायब हो जाती, करके मैं पैदल ही चले जाने, मोटरसाइकिल घर ही रहन दिने। और मम्मा दे लई जिहड़ा ना वो नाल तैयार हो गया, अपना वड्डा भाई आया भरजाई आई, उन्होंने नाल चलिया है, क्योंकि काफ़ी दिन का गया ही कोई नहीं, वो बच्चों तो जिहड़ा महरूम होया हुआ सी। तो जुम्मा पढ़ने वेखने सानू किन्नी दूर जाके मस्जिद जिहड़ी मिलती है। वेखण नू सेम टू सेम गलियां लगदियां पईआं, जिस तरह के विलेज हुंदा है, बिल्कुल विलेज ही है, लेकिन शहर तो हटवाएं थोड़ा शहर है साइड ते, और इस साइड ते ए वाली जिहड़ी ने समझो सारी जगह ये विलेज ही हैगा। तो सामने मेन रोड हैगा, ठीक 1 किलोमीटर जिहड़ा ना वो शहर हैगा। मेरा दिल है मैं शहर वाली साइड ते चला जावां, क्योंकि इस साइड ते अगर गया तो मैनू अगर लेट भी हो सकती है, फिर मेरी मेहनत की तो फायदा कोई नहीं होना। इन्नी गर्मी च भी निकलिया तो फिर जुमा अगर रह जाए तो फिर फायदा कोई नहीं, लेकिन एक मस्जिद जड़ी ना वो सामने हैगी, इत्थे जुमा मेरे ख्याल है नहीं होंदा, क्योंकि इत्थे कोई मौलवी वगैरह नहीं बोल रहा। इस साइड ते ही बोलते पे मौलवी, और इस साइड ते भी इहदे दूर थोड़ा ही लगता पे, और इस साइड ते बिल्कुल इवें लगता पे कि जिवें करीब हैगा। सामने जिहड़ा ना स्टाप हैगा, और इतों पुछने किसी को अगर मैं सारा पता होगा मस्जिद को करीब मिल जाती तो फिर उस साइड पर बंदा चला जाता। चलो अस्सलाम वालेकुम, मस्जिद केड़े पासे है वाला नेड़े? नहीं ये जुमा जिथे हो गए, जुमा इतने तो जुमा होंगे ही कौन मेरे ख्याल हो गया ना। हाँ हाँ हो ठीक है, मतलब नेड़े है, शहर दूर पवेगी। सही शुक्र है
मेरा सफ़र इन्ना मैं ज़्यादा नहीं करना पवेगा। मस्जिद जो तकरीबन कह रहे नेड़े ही है, इतों तकरीबन अद्धा किलोमीटर भी नहीं बनता। तो रोड के उपर चले जाने सीधा जाने मस्जिद, और मौलवी भी सुनाई दे रहा बिल्कुल नज़दीक ही लगता मेरे। हदीस शरीफ ये आते ने आया कि जिन्ने कदम तुम तुर पाओगे ना उन्ने नेकियां ज़्यादा, यानी कदम कदम से नेकी है। जुम्मे वाला दिन माशाल्लाह बहुत ही नेक दिन होता है। तो अबू हरी मेरे पीछे पीछे ना वो सामने आ रहे हैं। वेखो जी शहर दियां गलियां ने छोटियां छोटियां, और मस्जिद तकरीबन आ चुकी है सामने। अरब दे उस जहालत ज्यादा मुआशरे दे अंदर मस्जिद उबैदिया उस्मानिया जिथे बेड़ियां नो उबैदिया भी दिखया होया ऐब समझा जांदा सी, और उन्हां नु अपनी इज्जत दे खिलाफ समझा जांदा सी। उस मुआशरे दे अंदर पानी बहुत ही ज्यादा गर्म है, मेरे पहले शायद भी आया भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मा की नमाज पढ़ के ते वापस जा रहा, और रस्ता जिहड़ा मैं चेंज कर लिया क्योंकि उधरों फिर मैनू जिहड़ा ना ज्यादा भला पैंदा, सफर ज्यादा पौंदा। ते इत्थों मैं देखिया कि सामने जिहड़ा ना ओ वाला और सामने कमरा नज़र आ रहा उस जगह पर, मतलब वो साडा रहन सहन वाला जगह हैगी। इत बिल्कुल करीब भी है, बिचू बिचू हो नेड़े पे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं देखता जा रहा कि मेहनत जड़ी ना मेरी कुछ ना कुछ रंग लाई जा रही है। सिर्फ उतू इत तक आया अपने चैनल रिफ्रैश करके देखा ना, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह किसी बहन भाई ने मजीद सब्सक्राइब किया, बहुत शुक्रिया जजाक अल्लाह। अल्लाह पाक तुहानू सब नू सलामत रखे, आमीन। इन्ना ज़्यादा खराब हो चुका है ना इंदा, वेखो सिरू जहा और मोरियां हो गई ने, हुण इन्होंने वाण वूण इंदा पासे कढ़ लिया। इंदे नाल कोई चीज़ बनने जे अगर कामयाब हो जाए तो, वरना जिवें टाइम पास होंदा करी जाने। की चीज़ रखी है ना, सरिया में रखिए या कोई चीज और रखिए। सक भी सही है, सकड़े भी दो सही है ना, दो सकड़े इन्दे नाल ला दें। मंजी गड्ढे त्रोपे ला के हुण जिहड़ा दावणी पा रहे हैं वेखने ओवे हुंदी है या फिर सही रहिंदी है। नाल फटियां लाईयां देखने छोटी हो जाए मैं सौड़ी सौड़ी पा बैठा लो जी माशाल्लाह मंजी जड़ी ने होगी बेहतरीन है। गाढ़ा त्रोपा लाया जिन्ना चिर तगी रही तगी रही, आपे मोटे बंदे ना ना इंदे उत्ते बसाया, मोटा साडा है ही कोई भी ना, है ना आसमा। इस तरह करो अम्मी दुध पिया या फिर नींबू वाला पानी बना दो, नींबू पैन कोई ना आसिया लेंदे आ निकाल, नींबू वाला पानी बना के। गर्मी बहुत लगी खड़ी है, ना चाह नहीं मैं पींदा, गर्मी बहुत लगी खड़ी है। गला भी वैसे मेरा बहुत ही खराब है, लेकिन ठंडा पानी भी ना पीवीए ना, तो गर्मी बहुत ज्यादा लगती है। और बनवाया तो है शिकवंजी, पता नहीं है किस तरह की, नमक कोई नहीं ना पाए, थोड़ा पाया नमक, थोड़ा वाल पाया कर शिकवंजी तो असूल होता है। आसिया गई है जी ओ टहनियाँ पन्न बकरियां वास्ते, लेकिन उन्होंने मैं मना कर रहा क्योंकि अनजान इलाका है, अम्मी ना इन्हें इंज भेजा कर बच्चों है।
हूं कुत्ते भी पै गए तेन पवे टंगा तू कुत्ते तेन पता लगे है कि बाज खा मगे रांदे ए पिंड नहीं हैगा ठीक है ना पिंड च जिथो दिल किता तोड़ ली कोई चीज ए शहरदारी है इत्थे पता नहीं बंदे लिहाज है नहीं है इत्थे चार दे रसा है पता लग सी किस तरह के बंदे हैगे एवें तू टोर पौनी है कि जल गया बंदे उत्ते चढ़िया जांदा एडी उच्ची है मेरे को भी चढ़िया जांदा है बहुत उच्ची उन्होंने पठे पुठे पाओ कोई मेमने साडे मगर मगर ही भजे आउंदे ने आंदे ने वे तोड़ लैंदा बकरण जी बकरी भी आंदी है पई औली औली जिन्ना दी जगह ते बंदा बैठा होवे ना उन्हां दी अगर कोई चीज होवे ना तो तोड़ भी लवे तां उंदा एडा खास इतराज नहीं होंदा क्योंकि उन्हां नूं पता होंदा भी इन्हां ने खाना वरतना इत्थों ही है तां करके हुण मैं इस तरह खाते आया समझो कि बकैण हैगी इंदे उत्ते देख रहे अगर दंबूड़ियां नहीं हैगियां ना डेमू जिन्हों आने फिर इंदे उत्तों ला के दिना आसिया नूं आ जा हुण गा चढ़ाउण तां है मुश्किल बहरहाल वेखने आ अद्दू पद्दू पू पू वेखी आंदे हुण इथो लाभ रही है जी खजाना केड़ा खजाना इथे लुका पे तुहानू दिखावा अगले दिन भी लगे आन सारे बाल भी ए खजाना इथो लाभ रही है निके निके किल और जालियां वगैरह ये कितना बारा होना इंदा 10 ग्राम भी वजन नहीं है और विलॉग साडा जड़ा ना वो एंड होवन नु आ लेकिन पिछले विलॉग च असी भूल गए तुम दस्या सी ना अगली वीडियो जड़ी नो खसूसन नवाज भाई स्पेशल थैंक्स वास्ते बनानी है और ये वीडियो समझो कि उनके स्पेशल और स्पेशल थैंक्स वास्ते है उसकी वजह यह आ कि सानू समझो कि एक साल के अंदर एक साल तो कुछ महीनों के अंदर अंदर जड़ा ना दो पेमेंटा भी मिलिया ने और सारे बैन भाई उन्होंने तरफों साढ़े अले भी आए हैं अगर असी उन्होंने ना जाते तो शायद साड़िया वीडियो मिल पादिया इस वास्ते नवाज भाई अगर तुम देख रहे हो तो तय दिल तो असी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करने अल्लाह पाक तुहानू भाई मजीद तरक्की देवे कामयाबी देवे और अल्लाह पाक तुहानू जज़ाए खैर भी देवे ते जेड़े बैन भाई उन्हां दी तरफों साडे ले आए ने मजीद आ रहे ने उन्हां दा भी असी तहे दिल तों शुक्रगुजार हैं बहुत शुक्रिया मेहरबानी ते ज़्यादा आख्यां भी मतलब है कि काफ़ी सारे बैन भाई जेड़े नो माइंड कर जांदे ने कि बार बार जेड़े ने तुसी शुक्रिया बोलदे थैंक्स बोलदे हो तो वह भी अच्छी चीज़ नहीं है बहरहाल असी तो कुछ भी नहीं सानू मतलब है कि इस मकाम अता किया तो अल्लाह पाक की तरफों मिले और तुहाडे सारे बैणा भाइयों की तरफों मिले तो बहुत शुक्रिया जजाक अल्लाह इंशाल्लाह हुण अगले व्लॉग च हुंदी है मुलाकात हुण दियो इजाजत अल्लाह हाफिज़ अल्लाह निगेबान अपना बहुत सारा ख्याल रखना।